हेलो जस्वी समाना, हेलो जियो जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस सॉन्ग मिस्टर जस्वी समाना जी। सबसे पहले तो आपको, और दूसरा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये गाना नहीं है, ये सच्चाई है, सच्चाई। देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये गाना क्यों लिखा है और क्यों बोला है जस्वी जी ने। आप लोग जानिए इस गाने को, ये दिल से निकला हुआ गाना है। ये जियो जी, जियो जी वो हमारे जवान है जिन्होंने देश के लिए कितने टाइम तक सेवा की है। धूप में रहे, बरसात में रहे, बॉर्डर पे पता नहीं कहाँ कहाँ सेवा करी। उसके बाद जब वो रिटायर होकर घर आ गए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उनको जियो जी बनाकर गांव गांव में भेजा, ताकि हर उस गरीब की वो मदद कर सके जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो बेसहारा है, जिसके पास कुछ नहीं है नॉलेज, उसके लिए जियो जी एक ढाल बनकर खड़े थे। लेकिन पता नहीं क्यों ये जसवी माना जी ने भी अपने गाने में कहा है, पता नहीं क्यों हमारे आम आदमी पार्टी ने, जिसे हम अपनी सरकार मानते हैं, उन्होंने, भगवंत मान जी ने, आम आदमी पार्टी ने इन्हें नौकरी से निकाल दिया। जियो जी उन सैनिकों को निकाल दिया। क्यों निकाला, किस लिए निकाला, क्या कोई गलती कर दी थी, कुछ मतलब लोगों की सेवा करना क्या अपराध है क्या, को ना सबसे ज्यादा साफ सुथरा, जिसमें कोई भ्रष्टाचार ना करते हुए ये सैनिक हैं, देश के लिए लड़ने वाले सैनिक जो आकर के हमारे गरीब लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनके फार्म भरना, उनको अगर पेंशन नहीं मिली तो पेंशन टाइम पे दिलवाना, पता नहीं ऐसे कितने उन्होंने काम करे हैं उनके लिए, उनको नौकरी से निकालना। अरे भैया ऐसे मत करो, हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें उस आखिरी आदमी तक मदद पहुंचानी है पंजाब के, हर उस गरीब आदमी तक। थोड़ा सा तो समझो, कैप्टन साहब सरकार की कुछ नीतियां तो अच्छी हैं, उनको तो लागू रहने दो। देखिए वो सैनिक हमारे दिल की जान है, आज भी हम उन्हें प्रेम करते हैं, जैसे हम किसानों को प्रेम करते हैं, हम किसानों के लिए 24 घंटे खड़े रहना। तो आज जसवी जी ने जो मुद्दा उठाया अपने गाने के थ्रू, प्लीज आप साथ दीजिए। सबसे पहले तो बहुत ही मीठी आवाज है जसवी जी की, कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं। और ये गाना पहुंचना चाहिए भगवंत मान जी तक कि जियो जी को दोबारा से भर्ती किया जाए और उनको बहाल किया जाए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, कॉन्ग्रेचुलेशंस जसवी समाना।